नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा ट्रिप दिखा रही हूँ जहाँ पे हम लोग शनिवार वाड़ा गए थे। ये पुणे शहर में पड़ता है और जो शनिवार वाड़ा है इसे पेशवा बाजीराव ने बनवाया था और इस किले का निर्माण जिस दिन किया गया था उसी दिन शनिवार था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। दोस्तों, जो वाड़ा है वो ये एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में होता है घर। इस महल में कम से कम 1000 लोगों की रहने की व्यवस्था थी। और अगर आपने वो मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, तो उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। कहा जाता है यहाँ पे मस्तानी जी भी रहा करती थी। तो चलिए अब अंदर की तरफ दिखाते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये है यहाँ का एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री इस तरीके से इस महल की दिखती है सामने से, कुछ इस तरीके से। और जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसे बोला जाता है दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। ये दिल्ली की तरफ फेस करता था इसलिए इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा है। ना इंटरेस्टिंग। और दोस्तों, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये स्पाइक्स ऐसे हैं जो इस दरवाजे पर जो लगे हैं ना, ये कुछ 12 इंच के हैं और 72 स्पाइक्स एक दरवाजे पर है, यानी दोनों दरवाजों पर मिला के 144। और ऊपर आप देख रहे हैं ये चांद बना हुआ है एक दरवाजे के एक तरफ में और दूसरे दरवाजे पे सूरज बना हुआ। कहा जाता है कि चांद का अर्थ उस दरवाजे का था जब रात के समय खुलता था और सूरज यानी दिन के समय वो दरवाजा खुलता था। दरवाजे का निर्माण भी इसीलिए किया गया था ताकि इसमें दुश्मन ना आ सके। ऐसा मिलता जुलता दरवाजा हमने भारत में कई ऐसे महलों के सामने देखे हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो वैसे ये यहाँ की एंट्री है। यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो 25 रुपये पर हेड है और 15 साल के छोटे बच्चों के यहाँ पे फीस नहीं लगती है। और हाँ, अगर आप फॉरेनर आते हैं तो यहाँ पे उनका 300 रुपये चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था, यानी कुछ 300 साल पुराना ये किला है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा निर्माण किया गया था ये 7 मंजिला किया गया था, लेकिन ये इतना बदकिस्मत रहा ये महल जिस दिन से बना उसी साल से कुछ ना कुछ यहाँ पे घटनाएं होती रही। जैसे यहाँ पे कई राजाओं की मृत्यु हो गई और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल्दी से राजन जो था वो ख़त्म होने लग गया। साथ ही साथ इस महल में जब भी निर्माण हुआ तब भी यहाँ पे बहुत आग लगी, कई बार आग लगी और कैसे लगती है पता नहीं चलता है। रात में आग लग जाती थी और आज तक उसकी हिस्ट्री समझ में नहीं आई कि ये आग लगी कहाँ से। एनीवेज, कहा जाता है कि यहाँ पर पेशवा बाजीराव के जो पोते हैं नारायण राव, उनकी हत्या हुई और वो महज 17 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि नाना साहब के बेटे थे और वो 3रे नंबर के थे। इनके जो 2 बेटे थे वो दोनों पानीपत की लड़ाई में मर चुके थे, लेकिन जो 3रे थे वो 17 साल की उम्र में ही पेशवा बन गए थे, लेकिन उनके ही रिश्तेदार यानी उनके चाचा जी ने ही उनकी हत्या करवा दी थी। उनकी हत्या अमावस्या के दिन हुई थी तो इसलिए रात में कई बार यहाँ पर उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। ऐसा यहाँ के लोकलाइट्स कहते हैं कि रात के समय ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट को रात के समय अलाउड नहीं है, पर दिन के समय आप यहाँ पर आकर थोड़ा घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा शनिवार वाड़ा की कहानी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, 5:30 बज रहे थे और हमें अब यहाँ से निकलना था अपने घर की तरफ भी। दोस्तों, पता है इसके बगल में ही श्रीमंत डगरू शेठ हलवाई का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है जो गणपति जी के मंदिर पे है और यहाँ पे लोग दूर दूर तक दर्शन करने आते हैं। बहुत ही फेमस मंदिर है पुणे का। और साथ ही साथ एक और मंदिर जो फेमस है वो है चतुश्रृंगी मंदिर, जो कि पुणे में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे माता जी के बहुत भक्ति के लिए लोग आते हैं दूर दूर तक। तो हम अंदर तक जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन काफ़ी लेट हो रहा था हमको, तो हम बाहर से दर्शन कर लिए। पर बहरहाल, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर जाकर। अच्छा लगा आपको मेरा ये व्लॉग आज का, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, मिलती हूँ मैं आपको जल्द से जल्द एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।